हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गैटबी के थ्रू और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इनरोल हुई हैं जो अपने अपने कोर्सेज़ में, मास्टर्स के कोर्सेज़ में एडमिशन्स ले रही हैं। अब इन कोर्सेज़ में एमएससी के कोर्सेज भी हैं और एमटेक के कोर्सेज भी हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर एमटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स होता है और उन्होंने अपने कोर्स को ओपन कर रखा है एडमिशन्स के लिए थ्रू गैटबी पोर्टल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इस समय मैं एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट देख रहा हूं जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से है। सबसे पहले यहां पे देखो कि आप नैक ए डबल प्लस एक्रेडिटेड है, ये यानी कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगी अगर आप यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहां पे कोर्स कौन सा मिल रहा है, एमटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है। अब यहां पे आप देखिए, डीबीटी सपोर्टेड कोर्स है एमटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का और यहां पे मेंशन भी है कि एमटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और गैट बी कोर्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स किया है, केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का या फिर रिलेटेड फील्ड से पढ़ाई की हुई है। इसके अलावा बी फार्मा एमएससी के स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की हुई है विद अ मिनिमम ऑफ 60%, अगर 60% मार्क्स रहे हों जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं तो 55% मार्क्स पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सीट्स की तो यहाँ पे 10 सीट्स हैं। एडमिशन के प्रोसेस की बात करूँ तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने गैट बी क्वालिफाई कर रखा है उनको अपने गैट बी के स्कोर के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ मेल कर देना है exams@ipu.ac.in, यहाँ पे मेल कर देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस के बारे में बात करता हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन आया था 21 जुलाई को, कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस 21 जुलाई से ही हो गया था, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म जो है वो 4th ऑफ अगस्त 2023 है, यानी कि अंतिम दिन जो अप्लाई करने का है वो 4th ऑफ अगस्त है। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट लिस्ट, पहली लिस्ट 7 अगस्त को आ जाएगी। वेकेंट सीट्स और डिस्प्ले ऑफ सेकेंड लिस्ट 8 से 10 अगस्त होगा। एडमिशन ऑफ सेकेंड लिस्ट 11th to 12th अगस्त होगा। डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स एंड डिस्प्ले ऑफ द थर्ड लिस्ट 13th अगस्त होगा। एडमिशन्स टू थर्ड लिस्ट 14th to 16th अगस्त होगा और एडिशनल राउंड ऑफ एडमिशन अगर ज़रूरत होगी तो 16th to 17th अगस्त होगा। इसके बाद क्लोजर हो जाएगा 21st अगस्त को, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है कि जिस हिसाब से मेरिट होगी आपकी, यानी कि जो आपका गैट बी का स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको GGSIPU इंटीमेट कर देगा कि यस यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द एडमिशन और नॉट। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, कितनी फ़ीस पे करनी है, क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के दौरान और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको जो ईमेल मिलेगी GGSIPU से उसमें सारी चीज़ें मैंशन होंगी। ये ईमेल उन्हीं स्टूडेंट्स को जाएगा जो कि मेरिट के बेसिस पे एलिजिबल होंगे। रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि 18th अगस्त 2023 तक उनको अपने प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिशन जिन स्टूडेंट्स का कंफर्म हो जाएगा उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स की, तभी उनको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो सेमेस्टर फर्स्ट की फ़ीस और सेमेस्टर सेकंड की फ़ीस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 है, तो ये टोटल फ़ीस है सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू की। अगर मैं सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर फोर की फ़ीस की बात करूं तो 25,000 प्लस 20,000 है। यहाँ पे टू और फोर के बारे में मेंशन नहीं है इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी जो है फ़ीस कितनी प्रिस्क्राइब्ड है ये सारी की सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू जो मेल आएगा उसमें मैंशन होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्रोफेसर रंजीत कुमार जो कि कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर उनका यहाँ पर दिया हुआ है, ई मेल आई डी और वेबसाइट यहाँ पर मैंशन है। अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा था, ये एप्लीकेशन फॉर्म है एमटेक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन फॉर्म 2023। इसी फॉर्म को आपको फिल कर देना है, इस फॉर्म को फिल करना है। इसके साथ साथ आपको अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की अटैच्ड कॉपी अटैच करनी है, अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए वो। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कॉपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, एसएससी 10th के एग्ज़ाम की, 12th के एग्ज़ाम की, क्वालिफाइंग डिग्री की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की डिग्री की, इसके अलावा गैट बी के भी रेलेवेंट मार्कशीट और रेलेवेंट कॉपी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी।
तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है और आप अप्लाई करने वाले हैं, इस तरीके की डिटेल्स आप और चाहते हैं आपको चैनल पे मिलती रहे, ये चैनल से जो भी डिटेल्स मिल रही है वो आपको पसंद है, तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।